नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y21G वर्सेस Xiaomi Redmi Note 10T का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y21G में 6.46 इंच जबकि Note 10T में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है जो कि Y21G से कम है। विड्थ की बात करें तो Y21G में 2.99 इंच जबकि Note 10T में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है जो कि Y21G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Y21G में 0.31 इंच जबकि Note 10T में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि Y21G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y21G में 182 ग्राम्स जबकि Note 10T में 190 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो कि Y21G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y21G में 6.51 इंचेस जबकि Note 10T में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y21G में 720x1600 और Note 10T में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y21G में 81.99% जबकि Note 10T में 83.72% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y21G में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि Note 10T में 405 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y21G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Note 10T की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y21G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Note 10T की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y21G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Note 10T में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y21G में Mali G52 MC2 जबकि Note 10T में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y21G में MediaTek Helio G70 और Note 10T में MediaTek Dimensity 700MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Y21G में 4GB की RAM मिलती है जबकि Note 10T में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Y21G में 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Note 10T में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y21G में अप टू 1TB जबकि Note 10T में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y21G में Android V12 जबकि Note 10T में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Y21G में 2 कलर्स जबकि Note 10T में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y21G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नोट 10T की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,750 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में नोट 10T आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में नोट 10T आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें इन्फिनिक्स 08i है, दूसरा रियलमी 9 प्रो 5G है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी M32 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी रेडमी 10A है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।